कैसा ठीक कर रहे हैं आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी मैं तो फिलहाल एंजॉय की बजाय बोझ फील कर रहा हूँ। और मुझे भी देख सकते हैं, मैं ऐसे टेढ़ा होकर बैठा हूँ, कमर से दर्द निकल गया। लेकिन ये है कि एडवेंचरस टूर्स को हम लाइक करते हैं और इंशाल्लाह आप वहाँ पे पहुँच के सारे दोस्तों से भी आपको मिलवाते हैं। और मज़ीद जो हमारा प्लान है, क्या हम करने जा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पॉइंट पर जाकर बताते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। तो हम जी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अभी डिसाइड करते हैं। आमिर साहब बताएंगे कि कौन सी जगह पे कुकिंग करें और कहाँ पे हमने पड़ाव करने हैं। बाकी दोस्तों का भी इंतज़ार है। तो आमिर साहब क्या कहते हैं आप, माशाल्लाह व्यू तो बहुत अच्छा है सर जी, बहुत प्यारा व्यू है। और मेरा दिल कर रहा है कि सर जी अगर हम इस जगह पे बनाए ना, ये सामने वाली जगह, हाँ सही ये है, ये बैक साइड से ये कवर है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम आग जलाएं तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है, हवा से डिस्टरबेंस क्योंकि अगर ओपन एरिया में बनाते हैं तो चूँकि साइंस के प्रोफेसर है तो ये साइंटिफिकली हमें ठीक ही बताएंगे, तो इनको फॉलो करना होगा जी। तो चले देखते हैं, फिर बाकी दोस्त भी आते हैं तो फिर हम कुकिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी जो आउटिंग है सारी। तो एट द एंड फिर हमने जगह की सिलेक्शन कर ली है तमाम दोस्तों के मशवरे से। देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ जो दोस्त हैं प्रोफेसर साहिबान अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। तो ये तारिक सर जो हैं ये प्याज काट रहे हैं। तो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, एंजॉय कर रहे हैं सर? जी सर बहुत एंजॉय। प्याज काटने से आंखों से पानी तो नहीं आ रहा? नहीं सर, मुझे तो आदत है सर। अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस है जी। तो ये तारिक साहब जी बता रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस है और आदत है जी सर, तो बहुत अच्छी बात है जी माशाल्लाह। और ये जी दो और दो मुजाहिद जो हैं ये लकड़ियों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। आमिर साहब देखिएगा कोई कांटा वगैरह ना लग जाए हाथ में, बहुत बड़े बड़े कांटे, क्योंकि आपके हाथ बहुत नाजुक हैं। और अगर ये कांटा में लग गया तो फिर हाँ। आप गाना वही चलाएंगे, कांटा लगा। तो ख्याल रखिएगा नासिर साहब। नासिर साहब भी बड़े जोश से लगे हुए हैं, जिस तरह ऐसे लगता है कि जिस तरह ये मैट्रिक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इतने मतलब ये आज मसरूफ लग रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी, बाकी दोस्त भी अभी आते हैं तो फिर जब जैसे जैसे हम सारे ज्वाइन करते हैं और साथ साथ फिर आपको जो व्यू है वो जो सारा ये प्लान है हमारा इसके बारे में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो देखते रहिएगा। बड़ी मुश्किल से आग जलाई है सर जी, ये भला हमारी भाभी का जिसने 6 महीनों में ही प्रैक्टिस करा दी है। थैंक यू, बहुत ईगरली यार आपको मिस कर रहे थे। तो इनके साथ ही वकास साहब ने भी, वकास साहब भी आते ही अपने काम में जो लग गए। तो वकास साहब जरा हाथ दिला दीजिएगा कैमरे में, दूर भी करो ना बीच। ये गोश्त तकरीबन तैयार होने वाला है, तो सर मैं आपने मसाले वगैरह सारे डाल दिए? सर सर मसाले नहीं, अभी इसको ना प्याज में कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर ये जब थोड़ा सा हो जाएगा ना गोश्त नरम, जी जी, फिर इसमें मसाले वगैरह डालेंगे और टमाटर डालेंगे। इनके सर प्रॉपर्ली हेल्प कर रहे हैं सीट को, ठीक है। ये जी हमारे ग्रुप की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत है? हमें बेबे काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है आंटी, बहुत अच्छा जा रहा है। जी आप क्या कर क्या रहे हैं? जी मैं ये लहसुन और थूम और प्याज और अदरक। अच्छा अच्छा, ये कर रहे हैं ना? ये सर असल में आपका ये असल एक्सपीरियंस जो है ना, ये बोलता है ना, ये अल्लाह खुश रखे आपकी भाभी को। इस वक्त हम इंडस रिवर में मौजूद हैं और शाम का वक्त और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी प्लेस आउटिंग के लिए। फैमिलीज के साथ आएँ, कुकिंग करें, यहाँ पे इंजॉय करें, खसूसन गर्मियों के मौसम में। अब जो मौसम आ रहा है ये जो बाजार है इसमें जो पानी की सतह है वो काफ़ी बुलंद हो जाती है और यहाँ पर काफ़ी रौनक मेला लग जाता है गर्मी के मौसम में। लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, नहाते भी हैं, आउटिंग करते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि आज हम भी अपने दोस्तों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ यहाँ पे आए हैं आउटिंग के लिए। तो अब हमारा खाना तकरीबन तैयार है, बस वेट किया जा रहा है कुछ दोस्तों का, वो आएंगे और फिर इंशाल्लाह खाना खाने के बाद यहाँ से हम मूव करेंगे। तो शाम बिल्कुल होने को है और कुछ ही देर बाद अंधेरा जो है वो छा जाएगा और फिर
फिर उसका मंजर आपको दिखाएंगे कि दरिया के जो इर्द गिर्द का जो रात का जो व्यू होता है वो कैसा होता है। तो आप जिस तरह देख सकते हैं, ये मेरी बैक साइड पे ये पुराना ब्रिज जो कि खुशहालगढ़ और जंड को, मीन्स के केपी के और पंजाब को जो सेपरेट करता है और मिलाता भी है, और फिर ये नया ब्रिज जो कि हाल ही में बनाया गया कंक्रीट ब्रिज बिल्कुल उसके पैरेलल। अब ये ब्रिज फंक्शनल है मोटर व्हीकल्स के लिए, और दूसरा जो ब्रिज है आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल आयरन ब्रिज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। जब ब्रिटिश ने यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की थी तो यहाँ पे उन्होंने बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिनमें ये हमारे एक इलाके के अंदर भी ये ब्रिज है। तो ये सिर्फ अब ट्रेन के लिए फंक्शनल है, आप देख सकते हैं इसके टू स्टेप्स, एक स्टेप इसका नीचे वाला जो गाड़ियों के लिए और ऊपर वाला स्टेप जो है इसका वो ट्रेन के लिए, तो अभी इसमें सिर्फ ट्रेन जाती है। तो बहुत ही अच्छा एक लैंडस्केप है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर इंडस रिवर के किनारे पे। ये एक पॉइंट बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से शिप सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो सर्विस स्टार्ट की गई थी इसका जो मकसद था मेन वो था मियांवाली और अटक के दरमियान जो ट्रेड है उसको, ये दरिया का जो रास्ता है इसको अडॉप्ट करके और लो कास्ट ट्रांसपोर्टेशन का जो मकसद था, जो कि डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ट्रेड है वो ज़्यादा इसी रास्ते से होता है, मतलब कि समंदर के रास्ते से, दरिया के रास्ते से, तो ये इस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में प्लानिंग्स तो बनती हैं, बहुत से मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन उन मंसूबों पे बहुत सा इन्वेस्ट करने के बाद समझ नहीं आती कि क्यों फिर उन मंसूबों को ब्लॉक करके फिर नया मंसूबा शुरू कर दिया जाता है और वो मंसूबे ऐसे ही रह जाते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, मतलब कि करोड़ों के करोड़ों रुपए लगे होंगे इस मंसूबे को बनाने में, और इसके लिए यहाँ पे लॉन्च भी जो है वो परचेज़ किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, 2 से 3 लॉन्च जो कि स्टार्ट में उनको यहाँ पर फंक्शनल किया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर कोई वो इस तरह की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो बहरहाल एक अच्छा पॉइंट है, और अगर कुछ है या नहीं है तो पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखें आप स्टेप्स बनाए गए हैं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उस लॉन्च के अंदर सवार होने के लिए या सामान वगैरह लगेज वगैरह रखने के लिए तो वो बनाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट्स बनाने के और इकतदार के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिन चीज़ों में उनको उस तरह फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ अपने वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा जाता है। तो बहरहाल जी ऐसी बहुत सी बातें हैं, गवर्नमेंट पे अगर वो करना शुरू कर दें या उन प्लानिंग्स पे तो फिर वो बातें ख़त्म नहीं होती। बहरहाल होपफुली आपको ये जगह पसंद आई होगी। तो अब शाम होने को है बिल्कुल, मगरिब की अजान होने का वक्त बिल्कुल करीब है, और हमारा खाना भी रेडी होने वाला है, और इंशाल्लाह यहाँ पे खाना खाएंगे, नमाज अदा करेंगे और फिर यहाँ से इंशाल्लाह मूव करेंगे घर की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, एट द एंड इंडस रिवर पे खाना खाने के बाद तमाम दोस्तों ने प्लान किया है खान होटल पे रुकने का, तो यहाँ खान होटल पे चाय पीने का फैसला किया है, तो अभी चाय पीते हैं और फिर इसके बाद घर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा प्रोफेसर से पूछते हैं आज की ये जो पिकनिक है इसके हवाले से। वालेकुम हारे सर, सुनाए आज का दिन कैसा रहा जी आपका? आज का दिन भी अच्छा रहा और आज की शाम। और ये जो पिकनिक थी इसके बारे में बताएं। पिकनिक के नाम, ये मैंने ये वाला खुशहालगढ़ वाला जो पुल है ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम विजिट किया है। सही। और बहुत एंजॉय किया है, और यहाँ पर खुद जो कुकिंग की गई और हमने जी जी खाना जो है रात का, ठीक है। अपने शहर के जो लोग हैं फतेह जंग के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? फतेह जंग के लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जिस जिसने अभी तक ये यहाँ पे विजिट नहीं किया खुशहालगढ़ वाला पुल, वो यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ पर आके खुद कुकिंग करें और एंजॉय करें। ऐसे ही है जी। और आमिर सर फ़ोन पे बिजी हैं, तो फरहान सर ने भी आज हमारी जो कंपनी है फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो सर आपको कैसा लगा आज का ये जो माहौल था हमारा खाना वगैरह? जी जी ऐसे ही है सर, बहुत अच्छी सही है जी। तो नासिर सर, वकास सर से बात हुई है, तो अवैध साहब ने चूंकि हमें लेट ज्वाइन किया था तो ये भी थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इस व्लॉग में अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं। सर प्लीज, हमारा ये हर साल ये दो प्रोग्राम लाजमी होते हैं खुशहालगढ़ में, ये दोबारा हमारा प्रोग्राम था, बड़ी अच्छी हमारी कंपनी रही है, तो हम लेट आए हैं। थैंक यू सर। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा अपना वो
उस पॉइंट के वाले से बता दे प्लीज़। सर पॉइंट बहुत अच्छा था और मैं आपके YouTube चैनल की तवज्जो से कहूँगा कि बाकी जो जन के लोग हैं जो अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं वो आगे चक्कर लगाया करें ऐसे दरिया के किनारे पे आकर तो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। फ्रेंड्स आपने दोस्तों की बातें सुनी, हर बंदे ने अपने अपने कमेंट्स किए, तो होपफुली आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।